स्टूडेंट्स माई सेल्फ आर के बंसल आपका मैथमेटिक्स मेंटर। हम लोग लगातार यहाँ पर जो है क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम लोग जो है अपने पांचवें फिफ्थ ऑनलाइन लेक्चर के साथ में आपके सामने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बात करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली आपसे बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस तक हमने बात कर ली है, अब उसी चीज को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा डिटरमिनेंट्स के बारे में। डिटरमिनेंट्स के बारे में जाने बिना हम लोग मैट्रिक्स के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो यहां मैंने आपके लिए कुछ चीजें प्रिपेयर कर रखी है। पहला हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में। तो डिटरमिनेंट एक नया वर्ड आपके सामने आया, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज अ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है, क्या यूज है इसका, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा अगर हम डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो सिंपली आप बस इसको यूं मान सकते हो, डिटरमिनेंट हमारा वो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर या एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नथिंग एल्स। सिंपली मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया हुआ है, इट इज अ कॉन्सेप्ट बाई विच अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड टू अ नंबर और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सिंपली वी कैन से स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी इवेल्युएटेड बाई इट्स डिटरमिनेंट। सिंपली हम कहें स्क्वायर मैट्रिक्स की मुझे वैल्यू निकालनी है तो हम उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। वैसे तो मैं आपसे कहूं मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने जैसी जो बात है ये मीनिंगलेस है, मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। लेकिन अगर हमें कभी उसको एक नंबर की फॉर्म में या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लाना ही पड़ेगा तो हम ये काम उसका डिटरमिनेंट निकाल के कर सकते हैं। ठीक, चलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज कर लिया, AIJ नाम दे दिया मैंने उसको, तो उसके डिटरमिनेंट को लिखने का तरीका होता है, A लिखा मैंने बाहर इस तरीके से, इसको मॉड का सिंबल लगा दिया, दिस सिंबल एक्सप्रेसेस डिटरमिनेंट, या सिंपली आप इसको DET ऑफ A लिख दो, एक ही बात है, सिंबल वही रहेगा हमेशा, मॉड जैसा सिंबल रहेगा इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम डिटरमिनेंट कैसे निकालें, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कैसे निकालें, कैसे उसकी वैल्यू निकालें, सो हाउ टू इवेल्युएट इट। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की बात करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब हुआ कि मैं फर्स्ट ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने की बात कर रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हुआ जिसका एक रो और एक कॉलम है, सेकेंड ऑर्डर का मतलब हुआ जिसमें दो रो और दो कॉलम है, थर्ड ऑर्डर का मतलब हुआ तीन रो और तीन कॉलम। सो फर्स्टली हम लोग बात करेंगे एक रो और एक कॉलम वाले स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के बारे में। तो यहां पे आप देख रहे हो ए लिखा मैंने सिंपल, एक रो एक कॉलम, उसका डिटरमिनेंट निकाला, सिंपल वही सेम वैल्यू रहने वाली है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हमको हो सकता है कि ये सिंबल मॉड शो कर रहा है या डिटरमिनेंट शो कर रहा है, तो ये तो आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन में कैसे बोला गया है, क्योंकि अगर मैं कहूं आपसे माइनस टू इक्वल टू माइनस टू भी हो सकता है और माइनस टू का मॉड हमारे पास टू भी हो सकता है, तो यहां पर ये सिंबल हमारा शो कर रहा है मॉड को, यहां पर ये शो कर रहा है कि इसको डिटरमिनेंट को, तो ये चीज तो क्वेश्चन में जैसे गिविन होगी हम उसको वैसे ही लेके चल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर मतलब दो रो और दो कॉलम, सिंबल हम लोग क्या करते हैं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ए डी माइनस बी सी आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ थ्री ऑर्डर, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरे चैप्टर में हमको जो है थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को ही डील करना पड़ेगा, इसको हमें ध्यान से समझना है। मतलब यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं तीन रो और तीन कॉलम से बनने वाले स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को निकालने के बारे में। आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज फर्स्ट रो R1 नाम दिया, सेकेंड रो R2 नाम दिया, थर्ड रो R3 नाम दिया, फर्स्ट कॉलम का C1 नाम हो गया, सेकेंड कॉलम का C2 नाम हो गया, थर्ड कॉलम का C3 नाम हो गया। अब थर्ड ऑर्डर के वैल्यू निकालने का मतलब यह हुआ कि हम इसको जो है किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट जो इसको एक्सपेंड करेंगे, फॉर इवेल्युएटिंग इट इज एक्सपेंडेड अलॉन्ग एनी वन रो और कॉलम। अगर हम थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें इसको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अगेंस्ट ओपन करना पड़ेगा। शुरू करते हैं, ऑन एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करना शुरू किया। क्या मेथड है हमारे पास, अगर मुझे फर्स्ट रो के अलॉन्ग करना है, मैंने फर्स्ट रो का लिखा पहला एलिमेंट, फिर उस फर्स्ट रो से जाने वाले कॉलम और रो को मैंने छिपा लिया, मतलब ये छिपा दिया और ये छिपा दिया, मेरे पास बचा दिस वन इंटू में QRYZ से बनने वाला डिटरमिनेंट आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट बी लिखा, फिर वही काम यहां किया, रो और कॉलम को मैंने हाइड कर दिया, क्या बचा मेरे पास PRXZ लिख दिया मैंने यहां पर। फिर मैंने क्या किया, थर्ड एलिमेंट लिखा और फिर वही काम, रो और कॉलम को हाइड कर दिया, मेरे पास PQXY बचा। अभी आप देख रहे हो मैंने इन तीनों वैल्यूज को कनेक्ट नहीं किया है, तो बस यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कनेक्टिविटी कैसे करनी है, यही चीज आपको यहां पे बहुत ध्यान से समझनी है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी करने का तरीका हमारे पास क्या है वो आप ध्यान दीजिएगा।
वैसे अगर आप चाहें सिंपल, मैंने यहां लिख रहा कि साइन स्कीम, आप चाहें इसको याद कर लें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं आया कहां से, यहां प्लस ही क्यों लिया, यहां माइनस ही क्यों लिया, तो प्रॉपर इसका सिंबल रहता है माइनस वन टू दी पावर आई प्लस जे। दिस इज योर साइन स्कीम फॉर कनेक्टिंग द टर्म्स। आई क्या है, नंबर ऑफ रो, जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, हमेशा ही होता है। तो अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूंगा तो ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, तो यहां पे माइनस वन टू दी पावर वन प्लस वन होगा, सो माइनस वन स्क्वायर मीन्स प्लस वन, तो यहां ये प्लस में रहेगा। ठीक है, यहां पे आ गए हम लोग, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, तो माइनस वन टू दी पावर वन प्लस टू होगा मीन्स माइनस वन टू दी पावर थ्री हो गया। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर में अगर हम ऑड नंबर लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आती है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड एलिमेंट की बात करेंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो इट इज माइनस वन टू दी पावर वन प्लस थ्री, सो माइनस वन टू दी पावर फोर इट शुड बी प्लस वन। ये तरीका रहा है इसको साइन से कनेक्ट करने का। बाकी अगर हम और आगे देखें इसमें, ये सिंपल टू ऑर्डर का हो जाएगा, क्यू जेड माइनस वाई आर, ये सिंपल क्या हो गया, पी जेड माइनस कितना एक्स आर प्लस सी टाइम्स कितना हो जाएगा पी वाई माइनस कितना एक्स क्यू। सिंपली हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा साइन स्कीम के लिए आपको याद रखना माइनस वन टू दी पावर आई प्लस जे, या फिर आप इसको याद रख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स रिमेन्स सेम वेदर इट इज एक्सपेंडेड अलॉन्ग एनी रो और एनी कॉलम। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो हम उसको किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करें, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हमेशा सेम रहेगी। यहां पर एक और चीज आपको समझनी है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, वॉट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट बिकम्स जीरो। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा हमेशा ही सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो देन ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वन मार्क क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन लिया हमने यहाँ पे, हमने एक डिटर्मिनेंट लिखा डेल्टा बराबर वन साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा वन। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और मुझे इसको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू हमेशा दो से बड़ी होगी और चार से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, चलिए लिखा मैंने डेल्टा, डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ था, मैंने कहा था किसी भी थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को वैल्यू निकालने के लिए किसी भी रो या कॉलम से ओपन करना पड़ेगा। मैंने इसको फर्स्ट रो से ओपन करना शुरू किया, पहला एलिमेंट वन, वन से जाने वाले रो और कॉलम को मैंने छिपा दिया, बचा मेरे पास वन साइन थीटा माइनस साइन थीटा वन, ये लिख लिया, साइन थीटा माइनस के साथ आएगा ये लिख लिया मैंने, फिर प्लस का वन आएगा ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, इसको ओपन करना शुरू किया, वन इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये कैंसिल हो गया, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स टू प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, सो इट इज टू इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर ये बन गया हमारे पास टू इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब मुझे शो करना है ये डेल्टा जो है हमेशा टू से ग्रेटर होगा और फोर से लेसर होगा, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू का वेरिएशन कौन डिसाइड करेगा इसके अंदर जो भी वेरिएबल होगा। तो हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर वेरिएबल कौन है, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू का वेरिएशन ही इसको डिसाइड करेगा डेल्टा की वैल्यू कहां से कहां तक मूव कर सकती है। हम सब लोग जानते हैं क्लास 11 हमने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा हमेशा ही माइनस वन से बड़ा होता है और प्लस वन से छोटा होता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज वेरीज इन बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन। स्क्वायर किया मैंने, स्क्वायर किया तो अब एक इंपॉर्टेंट बात और है यहां पर, स्क्वायर करने पर यहां प्लस का वन यहां प्लस का वन दोनों वन वन नहीं होगा। सोचने वाली बात यह, स्क्वायरिंग करने पर सारी नेगेटिव वैल्यूज हमारी पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो माइनस वन से लेकर जीरो तक की सारी वैल्यूज वही बिहेव करेंगी जो जीरो से लेकर वन तक की वैल्यूज बिहेव करेंगी। तो मुझे वैल्यूज को दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, तो मैंने इसको लिख दिया जीरो टू वन। फिर इस साइन स्क्वायर थीटा को पूरा मुझे इस डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले प्लस का वन किया तीनों जगह इंटू टू कर दिया, ये बन गया हमारा डेल्टा। तो आपने देखा डेल्टा की वैल्यू टू से ग्रेटर आ गई फोर से लेसर आ गई, यही बात हमको यहां पर प्रूव करनी थी। ठीक है, चलिए एक और सवाल लिया हमने यहां पर, फाइंड एक्स इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। ये सवाल मैंने सिर्फ यहां पर इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर एक कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हैं। आप लोग ये सोचते हैं कि जैसे हम लोग मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कंपेयर कर लिया करते थे वैसे ही हम यहां भी कर लें, लेकिन याद रखिएगा डिटर्मिनेंट में एलिमेंट कंपेयर नहीं किए जा सकते, डिटर्मिनेंट में वैल्यू निकालकर ही कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, तो मेरा काम यहां पर एक गलती से भी एक्स प्लस वन इक्वल टू फोर ऐसे मत लिख लीजिएगा सारी, ठीक है, आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर जो इक्वेशन बनेगी वहां से हम लोग वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो प्रॉपरली सॉल्व करिए, कोई खास बात नहीं है, एक्स की वैल्यू में टू मिल गई, पर्पस बस यही बताना था यहां पर कि एलिमेंट्स हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं इन अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इसमें, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का माइनर क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग फर्दर अभी आगे यूज करने वाले हैं। एक मैंने मैट्रिक्स सपोज कर लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स थ्री ऑर्डर का, ठीक है। फिर मैंने कहा आपसे कि माइनर और कोफैक्टर क्या है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एम आई जे, ये मैंने शो किया सिंबल माइनर के लिए, आईएथ रो जेथ कॉलम का माइनर। एम आई जे मीन्स माइनर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग आईएथ रो एंड जेथ कॉलम। सो एम आई जे इज द माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ आईएथ रो एंड जेथ कॉलम विच इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाई लीविंग आईएथ रो एंड जेथ कॉलम। सपोज करिए कि मुझे यहां पर ए वन वन एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो मैंने कहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़कर जो मैट्रिक्स बचेगा मेरे पास, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो आएगा दैट इज आवर माइनर ऑफ एलिमेंट ए वन वन। क्लियर है? बिल्कुल। हमें जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट से जाने वाली रो कॉलम को छोड़ दीजिएगा, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालने पर जो वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। बिल्कुल सेम काम किया मैंने, एम वन वन लिख दिया ये वैल्यू, एम वन टू में ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, एम वन थ्री में हमने ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, ऐसे एम टू वन में हमने ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, ठीक है। एक और बात, हमने वर्ड यूज किया कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या है, याद रखिए जैसे सिंबल हमने शो किया एम आई जे किसके लिए, माइनर के लिए, सी आई जे हमारा एलिमेंट सिंबल होगा कोफैक्टर के लिए, आई एथ रो जेथ कॉलम वाले एलिमेंट कोफैक्टर क्या शो करेंगे सी आई जे से। क्या डिफरेंस आएगा, केवल मैं माइनर में बाहर साइन स्कीम अप्लाई कर दूंगा। अगर किसी भी माइनर की वैल्यू बाहर साइन स्कीम अप्लाई कर दी जाए तो वही माइनर हमारा कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, साइन स्कीम जो हमने पीछे भी यूज की थी डिटरमिनेंट को ओपन करने में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे मुझे सी वन वन की अगर बात करनी होगी तो यहां पे माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन, तो आप देखेंगे माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम रहेंगे अगर मैं वन वन एलिमेंट की बात करूंगा तो, क्योंकि माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन बिकम्स माइनस वन स्क्वायर, इट इज इक्वल टू प्लस वन। अगर मैं सी वन टू की बात करूंगा तो माइनस वन टू द पावर वन प्लस टू बिकम्स माइनस वन टू द पावर थ्री, सो इट शुड बी माइनस वन। तो आप देखेंगे एम वन टू और सी वन टू में माइनस एन का डिफरेंस आएगा। अगर मैं आगे बढ़ूं एम वन थ्री की बात करूंगा यहां पे, तो एम वन थ्री और सी वन थ्री बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि ये वैल्यू हमको यहां पर कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करने दे रही है। एम टू वन और सी टू वन फिर माइनस का अंतर आएगा क्योंकि पोजीशन का सम जो है ऑड आ रहा है। सिंपल याद रखिए, अगर पोजीशन का सम ऑड है तो नेगेटिव रहेगा, पोजीशन का सम अगर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब यहां पर ऐसी मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है और मैंने कहा यहां पर मुझे कुछ माइनर कुछ कोफैक्टर निकालने हैं, तो मैं चाहूंगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग घर में ट्राई कर लीजिएगा। कोई क्वेरी आती है नीचे कमेंट सेक्शन में ऑप्शन है आपके पास, वहां पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो ये बेसिक मैंने फंडा बताया आपको डिटर्मिनेंट के बारे में कि व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट एंड हाउ टू इवेल्युएट इट, ठीक है। एक्चुअली इसको बताने का यहां पर पर्पस ये था कि हम लोग मैट्रिक्स का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। एक और नया वर्ड आपको समझ आ गया, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब फिर वही परेशानी की व्हाट इज द एडजॉइंट, एडजॉइंट वर्ड का मीनिंग क्या है। तो यहां पे हम लोग हर वर्ड को क्लियर करके ही आगे बढ़ते आए हैं, वही काम हम लोग यहां पर भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने सिंपल क्या किया, एक मैट्रिक्स यहां सपोज कर लिया, फिर मैंने लिखा देन इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स को समझना यहां पे बहुत जरूरी है आपके लिए। कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब यह होता है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें तो इस तरह बनने वाली जो मैट्रिक्स हमारी होती है दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स। जैसे आप देख रहे हो ए वन वन को मैंने क्या किया, सी वन वन से रिप्लेस कर दिया। हेयर सी वन वन इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए वन वन। सिमिलरली मैंने ए वन टू को रिप्लेस कर दिया सी वन टू से। हेयर सी वन टू इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए वन टू। तो यही बात है कि हर एलिमेंट को अगर मैं उसे कोफैक्टर से रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स। अब यहां पर एडजॉइंट क्या होगा ये समझिए। मैट्रिक्स ए का अगर मैं निकालना चाहूं यहां पर एडजॉइंट, तो एडजॉइंट को लिखने का तरीका ये ए डी जे ऑफ ए, मतलब क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज कर दिया है। कुल मिला के अगर हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या, मैंने समझा दिया आपको, वही मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया है, हम इसका एडजॉइंट यहां पर निकालना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एडजॉइंट ऑफ ए मैं यहां पे डायरेक्ट कर दूंगा, आप लोग डायरेक्ट यहां पर नहीं करेंगे, आप हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के शो करेंगे फिर ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए एलिमेंट टू का मैं निकालूंगा पहले कोफैक्टर, कितना आएगा जीरो माइनस जीरो। एलिमेंट माइनस थ्री का मैं निकालूंगा कोफैक्टर, जीरो
और ये प्लस का हो जाएगा 12, लेकिन मुझे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि पोजिशन का सम नेगेटिव है, ऑड नंबर है। 1 0 और प्लस का 4, ये प्लस का ही रहेगा। माइनस 1 की अगर हम बात करें तो 0 और ये 0 ही रहेगा। इसके लिए बात 1 के लिए बात करेंगे तो ये 0 अगेन ये प्लस का 4 हो रहा है, तो यहां पर ये माइनस का 4 रहेगा, ये प्लस का ही 4 रहेगा। एक्चुअली 2 2 पोजिशन है ये। 3 की अगर हम बात करें यहां पर तो 0 और कितना हो जाएगा ये माइनस का 12, तो ये फिर हमारा प्लस का 12 हो जाएगा क्योंकि पोजिशन का समय यहां पर ऑड है। माइनस 4 की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस 9 और माइनस 1 बिकम्स माइनस 10, सेम रहेगा। 0 की बात करूंगा 6 प्लस 1 7, ये माइनस का हो जाएगा। 0 की बात करूंगा तो 2 माइनस 3 बिकम्स माइनस 1, तो ये यहां पर जो है सेम रहने वाला है। हम इसका यहां पे ट्रांसपोज कर दें, 0 माइनस 12 4, 0 4 12, माइनस 10 माइनस 7 और माइनस 1, इस तरह से हमको इसका जो है वो एडजॉइंट मिल चुका है। ये आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट की, इनको अच्छी तरह आप मेमोराइज कर लेंगे, समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। फिर वही काम कर देता हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए कि आपको सा पूरा पेज एक बार प्रॉपरली दिखा देता हूँ जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट प्रॉपरली ले पाएँ। ठीक है, तो ये आपका इस लेक्चर का फर्स्ट पेज है, अच्छी तरह देख के इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका जो है सेकेंड और थर्ड पेज है इस लेक्चर का, अच्छी तरह इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, तो आज की बात यहीं तक, नेक्स्ट बार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।